नमस्कार, मैं हृदय दारवार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे सत्ता, शराब और सियासत। कुछ एक बार फिर उमा भारती ने अपने सख्त तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं कि वे लगातार शराब को लेकर बयानबाजी कर रही हैं, शराबबंदी की मांग भी कर रही हैं। उन्होंने आज फिर एक बड़ा बयान देकर खलबली मचा दी है। तो जिस तरह के सरकार ने शराब के रेट कम किए, ठेके शुरू कर दिए, नए ठेके की प्रक्रिया चल रही है, इसी बीच बार बार शराबबंदी को लेकर उनका बयान आना कहीं ना कहीं जो है सवालों के घेरे में है। बातचीत करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता साथ जुड़े हुए, चर्चा करेंगे उस पर हम। संजय महेंद्र जी, संजय महेंद्र जी, आपने देखा होगा जिस तरीके से उमा भारती लगातार बयानबाजी कर रही है, शराब शराबबंदी की मांग कर रही है। आज वीडी शर्मा शिवराज जी पर निशान साधा के दोनों ही संत हैं, फिर भी शराबबंदी की ओर वे आगे नहीं बढ़ते, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की, मैं शुरू से कहता हूं, कथनी और करनी में दोनों में अंतर है। इनके आधे नेता कुछ बोलते हैं, आधे नेता कुछ और बोलते हैं। प्रदेश का नेतृत्व तो कुछ और कहता है, प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व तो कुछ और कहता है। इनको किसी को कुछ नहीं पता होता, एक भी मुद्दे पर आपस में सहमत नहीं होगी कि हमको कहना क्या। मेरी आवाज बहुत ज्यादा इको कर रही है, कृपया कृपया इसको ठीक कराएं। जी सर, जी सर, जी बात रखिएगा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है आपकी। तो देखिए, दूसरी बात, ये हमेशा कहते हैं कांग्रेस सहयोग नहीं करती। कांग्रेस जब अच्छे को नेक काम में, उमा भारती जी ने जो सवाल उठाया कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, तो कांग्रेस ने कहा कि हम इसका समर्थन करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आता है कि आप अपना घर देखें। तो ये मुद्दा जो है प्रदेश की महिलाओं के उन्नति और परेशानियों से जुड़ा हुआ है। शराबबंदी होगी तो महिलाओं को कम से कम घरेलू झगड़ों से, तनाव से मुक्ति मिलेगी। बस आपको राजस्व की पड़ी हुई है, आपका आपके लिए राजस्व सबसे ज्यादा जरूरी है। लोगों के घर बर्बाद होते हो तो हो जाए, युवा शराब में अपने पैसे लुटाए तो बर्बाद करें तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। युवाओं के पास रोजगार तो है नहीं, तनाव के पास 100 कारण मौजूद है, पेट्रोल डीजल बढ़ाने के पैसे नहीं है। अब ऐसे में युवा अगर गलत रास्तों पर जाए, जब उसको जॉब नहीं है, उसको कहीं नौकरी नहीं है, तो वो क्या करे? तो उसके लिए जिम्मेदारी कांग्रेस की है। कांग्रेस जब नेक काम में आपका साथ दे तो आप कहें कि आप अपना घर देखो। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के सोचने का विषय है कि वो क्या डिमांड उमा भारती ने उनसे रखी और कांग्रेस ने उस पर तत्काल समर्थन दिया कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आप इस अच्छे काम में हम आपके साथ हैं। तो इसमें ऐतराज करने की बात क्या है, मेरी समझ से परे है। हाँ संजय, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नर्मदा किनारे भी शराब को लेकर, बिक्री को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि नर्मदा किनारे शराबबंदी की मांग शिवराज जी ने की थी, बात भी की थी, आदेश भी किया था, लेकिन आज भी नर्मदा किनारे शराब की दुकानें चालू हैं, ढाबों पर शराब बिक रही है, कहाँ बंदी की ओर बढ़े हैं। और दूसरी एक और बात इम्पोर्टेंट ये है कि जिन शराब दुकानों को इनने बंद करने की बात कही थी, अब देसी और विदेशी शराब एक दुकान में मिलेंगी, मतलब दुकानें डबल हो गई कि पहले विदेशी शराब की दुकान पर देसी नहीं मिलती थी, अब देसी वहां मिलेगी और देसी में विदेशी मिलेगी। प्रदेश जी, शराब कहां नहीं बिक रही और कैसे नहीं बिक रही? गांधी जयंती पर भी आपको और हमको सबने अपनी आंखों से देखा कि पर्दे के पीछे से कैसे शराब की दुकानों में छोटी सी खिड़की होती है, वहां से निकाल के दे दी जाती है। तो ये सरकार तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इसका जनता के प्रति भलाई करने का कहीं से कहीं तक कोई उद्देश्य ही नहीं है। अभी बीच में एक बयान आया था, आपको याद होगा, मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं, साध्वी प्रज्ञा भारती, मैं साध्वी क्या कहूं उनको, लेकिन ठीक है लोग कहते हैं, तो साध्वी प्रज्ञा भारती ने कहा था कि हम लॉटरी को नियमित करेंगे, जुआ भी नियमित करिए आप, शराब भी बेचिए, एक ही दुकान पे बेचिए, सारे काम अनैतिक करिए और फिर समाज में ये कहिए कि हम समाज के हितों के रक्षक हैं। तो ये तो दोगलापन भारतीय जनता पार्टी का आसर ही शुरू से है। ठीक है संजय, वरिष्ठ पत्रकार सचिन गंगराले जी, सचिन जी स्वागत है आपका। नमस्कार सचिन जी, बात चल रही है शराबबंदी को लेकर, उमा भारती के लगातार बयान सामने आ रहे थे, उनके इन बयानों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए हृदय जी, शराब, ये डबल फ्लिपिंग हो रही है। शराब जो है वो हमेशा से सियासत का हिस्सा रही है। आपको आवाज आ रही है कि डबल इको हो रहा है शायद? जी आवाज आ रही है आपकी। ठीक है हृदय जी, हृदय जी, शराब जो है वो शुरू से ही सियासत का हिस्सा रही है, इसको लेकर के हमेशा राजनीति होती रहती है। अभी चूंकि अभी बात कर रहे हैं आप उमा जी की, और उमा जी, हेलो, इसलिए नाम रखा है सत्ता, शराब और सियासत। जी जी जी, शराब का मामला सत्ता से लेकर ही होकर गुजरता है। अभी आप उमा भारती जी की बात कर रहे हैं हम,
उमा भारती जी विगत एक साल से शराबबंदी को लेकर आंदोलन की बात कर रही है, वो हमेशा तारीख देती, कांग्रेस उन पर आरोप लगाती रहती है कि आप हमेशा तारीख पे तारीख देते हैं, लेकिन आप रोड पर नहीं आते। अभी चूंकि नया जो बयान आया जिसकी आपने चर्चा करी है कि उन्होंने शिवराज जी और वीडी जी को संत बताया है कि वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, अभी मैं महेंद्र बोध जी का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आप शराबबंदी कीजिए, कांग्रेस आपके पूरा साथ रहेगी, पूरा समर्थन करेगी। लेकिन आपको याद होगा हृदय जी, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उस पर जब बीजेपी हंगामा करती थी, इन्होंने महिलाओं को लेकर के खूब आपको हंगामा हुआ। हमें याद है कि कमला सरकार जी ने कहा था कि हम महिलाओं के लिए अलग से खाता खोलेंगे और उनको होम डिलीवरी तक होगी, और यहां तक भी कई अधिकारियों को लेकर के भी कहा था कि महिला अधिकारियां इसको बेचेंगी। इसको लेकर के भाजपा ने खूब हंगामा किया था उस समय, खूब सियासत हुई थी उस समय इसको लेकर के। इसके बाद कमलनाथ जी का एक और निर्णय था कि शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में शराब की नई दुकानें खोलेंगे, उस समय भी काफी हंगामा हुआ था। अब हम अभी मौजूदा सत्ता की बात करें तो ये सभी जानते हैं कि शराब राजस्व का एक बड़ा हिस्सा, उससे राजस्व इससे आता है, इसलिए कोई भी सरकार कहती जरूर है इसे लेकर कि हम इसे बंद करेंगे या हम इसे रोकेंगे या नई दुकानें नहीं खोलेंगे, लेकिन होता है इसका उलट है, इसे बढ़ाने के ऊपर ही ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। अब चूंकि जो केंद्र सरकार की जो नई नीति आई है, आबकारी नीति, जिसमें उन्होंने रेट कम करने की बात कही है और देसी दुकानों पर भी शराब देखने की बात कही है, उसमें उनका मत है कि इससे करीब करीब हम अमानक और अवैध शराब पर हम अंकुश लगाएंगे, और जो जो एक समूह जी सचिन जी इस तरह से जो है अवैध शराब कुछ लगाएंगे, और ये अलग अलग जो शराबें बिकेगी इससे कई लोगों को फायदा होगा। मैं बयान पढ़ रहा था, इसको लेकर कांग्रेस सांसद लक्ष्मण सिंह जी ने समर्थन कर दिया था। हेलो जी, आवाज आ रही है? मैं यहाँ तक नहीं आ रही सर, बहुत ज्यादा इको हो रही है। हाँ, टेक्निकल टीम से आग्रह है ठीक करें, इको नहीं बन रहा बार बार। जी सचिन जी, बात रखिएगा। हेलो, लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि उन्होंने शराब बढ़ाने के फैसले शिवराज सिंह का समर्थन कर दिया है, उन्होंने कहा इससे रोजगार बढ़ेगा। तो इस तरह से जो सियासत है ये हमेशा होती रही है और ये आगे भी होती रहेगी। संजय जी, क्या लगता है उमा भारती के अपने लिए एक राजनीतिक मुकाम तलाश रही हैं, कुछ इस तरह लगातार सरकारी खिलाफत करना, बगावत करना, जो कि सत्ता की चाबी उन्होंने सौंपी थी सत्ता में जो वापसी हुई भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, तो उनका एक अहम रोल था? मुझे तो आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता थे उनका इस देश में भाजपा की सत्ता में क्या योगदान नहीं रहा, और वो सारे के सारे आज कहाँ हैं? मुझे इस पूरे प्रकरण में एक सबसे आश्चर्यकारी बात जो समझ में आ रही है वो ये कि शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा दोनों संत हैं, ये किस कोने से, किस परिभाषा से संत हैं, मुझे कोई ये समझा दे। देखिए, जमीन कहा उन्होंने, खुद ट्वीट करके बात कही है जी, ये तो भारती का बयान है, उन्होंने खुद संत बताया है वीडी शर्मा को। मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैं आदरणीय उमा भारती जी के उस वक्तव्य को कोट कर रहा हूँ कि उनको ये दोनों व्यक्ति संत कहाँ से दिखते हैं। संत इस देश में, संत की परिभाषा का मायना बिल्कुल बदल गया है। जो संत उस जमाने के हुआ करते थे, अब उन संतों वाली तो बात ही नहीं है। अब तो जिस किसी आदमी को वोट चाहिए वो भगवा पहन ले और संत कहलवा ले और साल भर जनता की सेवा कर ले, भगवा पहन के और संत हो जाए। ठीक है, जवाब तो आज नाम उच्चारण संत करवाना और उसके बारे उसकी आचरण के अनुरूप मर्यादित व्यवहार करना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम किसी भी राजनेता को संत कहने से पहले 100 बार सोचें कि वो क्या उस सार्वजनिक जीवन में शुद्धता के उस आचरण का मर्यादित पालन करता है कि वो संत कहलाने लायक है। आप एक शुद्ध राजनीतिक व्यक्तित्व है,
और आपको संत कह के पुकारा जा रहा है, तो संत अगर कह के पुकारा जा रहा है तो ये वो जमीन तलाशने की बात तो है कि किसी तरह हम हाईकमान के हाईलाइट में आ जाए तो शायद अब हमारी भी सुनवाई हो जाए, मुझे तो ऐसे ही लगता है। गीत जी क्या लगता है आपको, जिससे उमा भारती ने बयान दिया था कि वी डी शर्मा और शिवराज जी दोनों संत हैं, शराबबंदी की ओर आगे बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ, लेट होने के लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसा कि हमारी भूमिका उमा दीदी ने जो हमेशा इन चीजों का स्वागत करती रही है और आज भी जब वो नशा मुक्ति की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मैं तो चाहूंगा कि दूसरे लोग भी यानी कि अन्य दल भी सरकार भी जन समुदाय से जुड़े हुए जितने लोग हैं सब जुड़कर नशा मुक्ति की पहल को आगे बढ़े और हमको सबसे पहले जो है समाज में पहल करने के लिए समाज को बताना होगा कि इस चीज से दूर रहने से क्या लाभ हो सकता है। चाहे हम बात करें आज गुजरात की, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जब वहां पर शासन काल में आते से ही शराबबंदी क्यों हुई वहां पर, क्योंकि नियत थी, जहाँ नियत होता है वहीं पे कार्य प्रणाली लागू हो सकती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय वहां पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन नशा मुक्ति का यह मतलब नहीं है कि वहां पर जो है पूरी तरीके से शराब प्रतिबंध है, वहां लाइसेंस लेकर या अन्य तरीके से जैसे कोई भारतीय स्टेट का जाता है तो वो लाइसेंस लेकर ले सकता है, जिसको सरकार को रेवेन्यू भी अपनी जगह पर आता रहता है। इसी को देखते हुए माननीय शिवराज जी ने अभी कुछ दिन पहले नई शराब नीति के तहत जो नई दुकानें खुलने वाली थी उनको बंद कर दिया, जबकि कांग्रेस सरकार के 17 महीने के कार्यकाल में अगर किसी भी व्यक्ति के पास में 3 कमरे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे होटल हो, चाहे वो छोटा सा ढाबा हो, यहाँ तक कि घर में भी मैं बात करता हूँ, तो आप बाहर का लाइसेंस ले सकते हो। सरकार की नीतियां लेके आए थे, लेकिन मैं तो नशा मुक्ति की बात कर रहा हूँ क्योंकि परम आदमी है ने जो विषय उठाया है वो किसी पार्टी विशेष को ध्यान में रखते हुए नहीं उठाया है। जैसा कि उन्होंने बोला है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को संत बोला है, हमारे महामंत्री स्वास जी के लिए संत शब्द का उपयोग किया है, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के लिए संत शब्द का उपयोग किया है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं तो कांग्रेस को भी अपील करूंगा, अन्य दलों को भी अपील करूंगा कि सब साथ में आए और इस पहल में सब जमीन के ऊपर जनता को जागरूक करें कि शराबबंदी के खिलाफ, क्योंकि देखिए अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले दवाई मिलती है, उसके बाद में 2-3 दिन 4 दिन लगते हैं हमारा बुखार पड़ने में, शराबबंदी के लिए हमें पहले जनता को जागरूक करना पड़ेगा, उसके नुकसान फायदे सब बताने पड़ेंगे जनता को, और जनता जिस प्रकार से जागरूक होगी उस गति से ही हमें उसके ऊपर निर्णय भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ मध्य प्रदेश की खुशहाली का विषय आता है तो हमें सबको एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, ना कि हमें वहां पर राजनीतिक तुष्टिकरण से उस चीज को देखना चाहिए। और उमा दीदी का जो निर्णय शराबबंदी नशा मुक्ति के लिए उसका पूरी पार्टी जो है स्वागत करती है, हमने उस पर आगे भी कड़े निर्णय लेने का निर्णय। जी संजय जी कुछ कहना चाहते हैं? गीत जी देर से जुड़े हैं, गीत जी नमस्कार आपको, सचिन जी आपको भी मेरा नमस्कार। मुझे गीत जी की बात 100 में से केवल 20% सुनाई आई है, तो मैं जितना मुझे क्लियर सुनाई आया उसके आधार पर बोलूंगा मैं। जी गीत जी ने जहां तक मुझे ऐसा लगा ये कहा है कि विपक्ष को साथ देना चाहिए, तो मैं गीत जी की को दुरुस्त करता हूं कि कांग्रेस ने तो इसका समर्थन किया लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पलट के कह दिया कि आप अपना घर देखो, तो कांग्रेस जब अच्छे काम में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है तो उसमें ऐतराज कहां से उठ रहा है, नंबर एक। दूसरी बात, मेरा प्रश्न यह है कि वी डी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान आपको संत किस कोने से दिखते हैं? आप अपने किसी भी नेता के वक्तव्य को वैसा का वैसा ही उठा के उस पर उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके एक जस्टिफाइड कारण तो दीजिए कि वो आपको संत किस कोने से दिखते हैं। दूसरी बात, जिस गुजरात में शराबबंदी की आप बात कर रहे हैं, बिहार में भी शराबबंदी है, लेकिन अभी अभी ताजे ताजे कितने बने जहरीली शराब से, तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि शराबबंदी की आड़ में जो 2 नंबर की शराब बिकती है उसका दुष्परिणाम क्या होता है, उसको रोकने के लिए सरकार ने कोई रोड मैप बनाया है, कोई प्लान भी है सरकार के पास? और पहली बात, तो आप भाजपा आपस में तय कर ले कि शराबबंदी करनी भी है कि नहीं करनी है, ठीक बात, ये तो पता लगे, किसी एक जगह पर कोई बातचीत आएगी तो उसके बाद आगे की राय दी जाएगी। क्या गीत जी क्या कहते हैं आप कि उमा भारती के इस बयान का समर्थन करती भारतीय जनता पार्टी का भविष्य में अभियान चलाएगी शराबबंदी को लेकर? मुझे तो नहीं लगता,
गीत जी है और निश्चित रूप से अभियान चलाएगी, लेकिन जहां तक ने जो विषय बोला, मैं भी निश्चित रूप से संजय जी को वही कह रहा हूँ, जनता के बीच में जागरूक करने की बात कर रहा हूँ, बीजेपी को नसीहत देने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे वरिष्ठ नेता ने बोला है कि अपना घर देखें, वही, क्योंकि देखिए गाड़ी के अंदर बैठ के काम नहीं चलेगा, गाड़ी से उतरना पड़ेगा और जनता के बीच में जाके जनता को जागरूक करना पड़ेगा, ना कि बीजेपी को नसीहत दें, क्योंकि 15 महीने में महिलाओं के लिए संजय जी बीच में नहीं बोला था, मेरी बात पूरी आने दीजिए, मैं आपका आदर करता हूँ, व्यक्तिगत समय चाहता हूँ आपसे। देखिए मैं भी आपका सम्मान रखता हूँ। कांग्रेस ने 15 महीने के कार्यकाल में अपने शराब के लिए ऐसी कौन सी रोड मैप तैयार करी थी? खैर ये विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से शराबबंदी और नशा मुक्ति को लेकर के बहुत सारी मुहिम तैयार करी हुई है, जो कि आगामी समय में आपको देखने को मिलेगी। और जहां तक कि हमारी वरिष्ठ नेता अश्कुमार दीदी की बात आती है, तो माननीय शिवराज सिंह जी स्वयं आप देखेंगे कि नशा मुक्ति के लिए जो भी प्रयास हो पाएंगे 14 तारीख से आपको कारगर वो प्रयास होते हुए दिखेंगे जनता के बीच में, क्योंकि हम इस चीज को लेकर जाएंगे। और जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई प्रयास करती है तो सफल इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो जनता के प्रति न्याय वाला और राष्ट्रवादी रहे, तो उसी दृष्टि से जनता के हितकारी निर्णय के लिए हम जनता के बीच में जाके जनता को समझाएंगे और उचित निर्णय अवश्य लिया जाएगा। तो कांग्रेस को अवश्य जो है ये बात जरूर देना चाहिए कि जनता को जागरूक करें, बीजेपी को ध्यान ना दे। और व्यक्तिगत रूप से भी मेरी कांग्रेस के बड़े नेताओं को और संजय जी को भी ये आग्रह करता हूं मैं उनसे कि आप लोग भी सब जुड़े और इस मुहिम के तहत जनता को जागरूक करें कि शराब मुक्ति से नशाबंदी और शराब मुक्ति के लिए जो है जनता को प्रेरित करें। ठीक है सचिन जी, शराब समाज की बुराई है, बंद होना चाहिए, सिर्फ ये पॉलिटिकल भाषण बन के रह गया है, लेकिन सामाजिक जागरूकता की तरफ कोई आगे नहीं आता। मारुति ने भी संकल्प लिया, आगे बढ़ रही है, तारीख पे तारीख आगे आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके बयान का किनारा जरूर करती है कि हम साथ में नहीं है, लेकिन पार्टी का बयान भी नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी, मैंने जैसे शुरू में ही कहा हरदेव जी कि ये सियासत का हिस्सा है, ये आगे भी चलती रहेगी। हमारे दो प्रतिनिधि जो बैठे हैं ये भी इसी को शराब के जरिए अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की कोशिश कर रही हैं जी, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। और वो अगर कह रही है कि मैं शराबबंदी को कहेंगी, तो कांग्रेस बार बार ये सवाल पूछ रही है कि आप कब समय देंगे और इसको कब लागू करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं 14 तारीख के बाद अपना स्टैंड क्लियर करूंगी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ यह है कि हमारे दोनों जो वरिष्ठ साथी हैं, ये बार बार समाज को लेकर कहते हैं कि समाज को जागृत करेंगे हम मिलकर के, लेकिन आगे कोई आना नहीं चाहता है। अभी मैं आपको एक बता दें कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर, मैं उनका एक बयान पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने शराब की नई आबकारी नीति के लिए सरकार की जम के तारीफ की, और उन्होंने कहा कि इससे रोजगार वृद्धि होगी भाई सरकार। और साथ में उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर जनता शराब पीना छोड़ दे तो धीरे धीरे शराब की बिक्री कम हो जाएगी। बिल्कुल, तो अब ये तय कौन करेगा कि सरकार भी शराब बेचना छोड़े या जनता शराब पीना कम करे, या हमारे दो साथी बैठे इन लोगों को भी ये तय करना पड़ेगा कि हमें जनता को किस तरह जागरूक करना है। हाँ, ये मानते हैं कि शराब जो है वो राजस्व का हिस्सा है और कोई भी सरकार इससे इनकार नहीं कर रही है, और वो जब सत्ता में होते हैं तो वो इसे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अपने शुरू में ही कहा था कि कमलनाथ सरकार थी, उन्होंने अपने तरीके से इसे बढ़ाया है, अब शिवराज सरकार नई नीति लेकर आई है। ठीक है गीत जी, एक सवाल आपसे पूछूं जो आप लेट जुड़े थे। सवाल यही है कि सरकार ने पहले कहा था नई दुकान नहीं खोलेंगे, लेकिन देशी शराब की दुकान पर अंग्रेजी शराब और अंग्रेजी शराब की दुकान पर देशी शराब मिलेगी, मतलब दुकानें आपने डबल कर दी, जो चीज पर लिमिट संख्या में थी अब उसकी अनलिमिटेड कर दिया आपने उसको। जी, ये जो है सिस्टम में डालने का एक उसको तरीका था, क्योंकि इलीगल तरीके से आपने शराब की दुकान डबल कर दी, ये कह सकते हैं अपन। नहीं, इलीगल तरीके से शराबें जो है ऑलरेडी देशी शराब की दुकान पर विदेशी शराबें मिलती थी,
और मैं आपको एक और बात बताऊं, रेगुलेटरी सिस्टम में जब कोई चीज आ जाती है तो मॉनिटरिंग करने में आसानी हो जाती है। यहाँ तक कि रेवेन्यू की भी बात सचिन जी कर रहे हैं, वो रेवेन्यू बिल्कुल मैं मानता हूँ, इससे डिनाई नहीं कर रहा कि रेवेन्यू आता है, मगर सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपनी जनता को किसी तरीके से खतरे में डाला जाए ये सही नहीं है। जहां तक कि महुए की बात आई देसी शराब की, और महुए को कुछ जो है शराब बनाने वाले लोगों को टैक्स जो लोग बनाते थे वो जब बिक्री होगी तो टैक्स नहीं उसके ऊपर लगेगा, ताकि एक रेगुलेटरी सिस्टम के तहत जो है उसके ऊपर भी कुछ कंट्रोल आ सके सरकार का और लोगों को उसके फायदे नुकसान भी समझ में आए। और दूसरी जो मध्य प्रदेश की जो परंपरा रही है कुछ ट्राइबल एरिया में वहां पर भी जो है उसको थोड़ा तरीके से लिमिट में डाला जाए, क्योंकि जहरीली शराब वही लोग ज्यादा पीते थे जब शराब बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी या वहां पे बेची जाती थी या इलीगल तरीके से। अब लिमिटेड में लिमिटेड लोग बनाएंगे, इसके ऊपर जो है वो इनकम कम हो जाएगी जो लोग बनाते थे। धीरे धीरे शराबबंदी की तरफ हम बढ़ ही रहे हैं, नशा मुक्ति की ओर हम बढ़ ही रहे हैं, और शिवराज सरकार यहाँ पर जनता के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से जनता को आश्वस्त करता हूँ कि आगामी दिनों में जनता के लिए हितकारी जो भी निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे, और हमारे वरिष्ठों को सबको साथ में लेकर ही निर्णय, जनता को साथ में लेकर ही निर्णय, अन्य दलों को भी साथ में लेकर ही निर्णय, और पत्रकारों को विशेष रूप से साथ में लेकर ही निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है संजय जी, अब सुना दीर्घ, सुना आपने सचिन जी को, सुना आपने, क्या कुछ आपको लगता है? देखिए क्या है, इरादे अगर अच्छे हैं और समाज के हित में और करने की दृढ़ संकल्पित इच्छा है तो कांग्रेस हमेशा साथ खड़ी है। मैं आपको स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि एक किसी भी अच्छे और नेक काम में हम आपके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं, लेकिन दिखावटी कार्रवाई से काम नहीं होगा। दिखावटी कार्रवाई से मेरा तात्पर्य है कि पिछले 6 महीने में आप खबरें उठा के पढ़िए, करीब करीब 2.5 लाख लीटर लहान नष्ट कराया गया है। ये अवैध शराबों की जो बात कर रहे हैं, जिन इलाकों में अवैध शराब के ड्रम पकड़े जाते हैं, बंजारों के अड्डों पर से बरामद होते हैं, उस एरिया के प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं? क्या आपको लगता है आज की तारीख में भी कि बिना थाने के इंस्पेक्टर के आप कोई भी अपराध कर लें और वो आराम से चलता है और उसकी जानकारी में ना हो? तो सवाल यह है कि दृढ़ इच्छा शक्ति आपके द्वारा अपॉइंट हुए वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में हो, वो संज्ञान में लिया जाए, और निश्चित रूप से समाज के लिए जो घातक चीज है, जो बुरी चीज है, उसका अगर आप विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस आपका समर्थन कर रही है। आप बात समझिए, हमने समर्थन से मना नहीं किया और ना मैंने भाजपा को नसीहत दी की थी, भाजपा ने उल्टे कहा कि कांग्रेस वाले अपना घर देखें। आप बात को तो समझिए, जवाब दीजिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ, अपना घर देखने से मतलब नहीं है कि आप जनता को ना देखें, लेकिन कांग्रेस जो है जनता के बीच में अगर जाके देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो विपक्ष है वो भी मजबूत होना चाहिए, और विपक्ष मजबूत तभी होगा जब आप जनता के लिए हितकारी योजनाएं लेके आएंगे। मैं एक आखिरी कार्य करेंगे, हम भी कार्य करेंगे तो जनता के लिए कहीं ना कहीं हितकारी कार्य होगा। इस बात को मुझे लगता है कि हमारा बाकी के पैनल में दोनों बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार हितेश जी और सचिन जी भी सहमत होंगे, तो मेरा तो ये मानना है कि राहुल गांधी जी की पार्टी भी मजबूत होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आप भी जनता के बीच में जाकर कार्य करें और जनता को जागरूक करें, नशा मुक्ति की ओर हम एक कदम और बढ़ाएंगे। और देखिए हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति की जो आपने बात करी, चाहे कमिश्नर प्रणाली हो और चाहे अन्य योजना हो, हम सिर्फ बात नहीं करते, उसको लागू किया और उसको सफल बनाया, ये आपके सामने ही है, जनता ने देखा भी और अपनाया भी। तो मेरा यही आग्रह है कि आप भी अवश्य रूप से जनता के बीच में उतरें, जमीनी स्तर पर उतरें, मगर ऐसा ना करें जैसे पूर्व मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के कांग्रेस पार्टी से जो आते हैं कमलनाथ जी, उनके जो है लोग या तो हेलीकॉप्टर से नहीं उतरते हैं या फिर दौरे करते हैं तो गाड़ी से नहीं उतरते हैं, तो जनता स्वयं जो है सवाल उठाती है। अभी छिंदवाड़ा का भी एक वीडियो कुछ दिन पहले आया था जहां आपके घर घर चलो अभियान में बाहर कर दिया था। मैं तो ये भी कहूंगा वहां पर जनता को नशा मुक्ति के विषय में जागरूक करें, ये भी एक आप बहुत अच्छी मुहिम चला सकते हैं, परंतु आपके नेताओं को एकजुट होकर करना पड़ेगा। कहीं आपके अरुण यादव जी नहीं दिखते तो कहीं आपके पचौरी जी नहीं दिखते। आप 2 मिनट मुझे अपनी बात करने का मौका दें, आप मुझे 1 मिनट अपनी बात करने का मौका दें। जी सुन लेते, संजय जी बोलना चाहते हैं। जी संजय जी, कांग्रेस ना तो हेलीकॉप्टरों में बिलीव करती है, ना दौरों, ना गाड़ियों में बिलीव करती है। आप ग्वालियर में जाके देखिए, जनता के बीच में गरीब जनता के हितों के संघर्ष के लिए किस हद तक चल रहा है और प्रशासन अपनी गुंडाई पर किस तरह उतरा हुआ है। आपसे कुछ इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है, ये जग जाहिर बात है। दूसरी बात, कांग्रेस की मजबूती की चिंता आप ना करें, पिछले 70 साल से बेताज बादशाह पार्टी है कांग्रेस, वन मैन, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का भी उतार चढ़ाव से जरूर आप कह सकते हैं थोड़ी कमजोर हो गई,
तो उसको मजबूत कर रही है। दूसरी बात एक आखिरी बात राहुल गांधी जी को आप हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को याद कीजिए, कोरोना के लिए सबसे पहली चेतावनियां किसने देनी शुरू की थी, मगर आपकी सरकार की कानों में जू रहेंगी थी कब है, जब स्थिति आपके हाथ से बाहर निकल जाती है उसके बाद आप लोग मानते हो जो कहती कांग्रेस है। विषय से भटक गए जी, मैं उसका भी उत्तर दे देता हूँ। देखिए कोरोना की बात पूरी दुनिया ने देखा है कि आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है झूठे वीडियो डालते थे और फिर डिलीट करते थे, और कोरोना के लिए तो जब कोरोना आया था सबकी ना गई थी, तो आपके राहुल गांधी जी बोले थे लगवा ना मर जाओगे आप, राहुल गांधी पांच वीडियो भेज दें जिसको भेज के उन्होंने डिलीट किया हो, ये भ्रम फैलाने वाला कार्यक्रम अब नहीं चलेगा। अब कांग्रेस इतनी मजबूत है कि आईटी सेल की दुर्भावना को समझती है, आप मुझे पांच वीडियो भेजें जरूर, कांग्रेस अपने घर को मजबूत करेगी। संजय जी, जी सचिन जी, समय का अभाव है, क्योंकि वाकई इम्पोर्टेंट विषय था, समाज के लिए सब सोचते हैं, समाज के भला सब चाहते हैं, लेकिन शराब ही समाज की बुराई यदि है, इस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। आप तीनों चर्चा में जुड़े, आप तीनों बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बात चल रही थी मध्यप्रदेश में जिस तरीके से सत्ता शराब और सियासत, एक सियासत हमेशा से शराब के ऊपर होती रही है, लेकिन वाकई समाज को बदलने के लिए, समाज सुधार लाने के लिए यदि शराब बंदी को लेकर अभियान शुरू किए जाएंगे, मुझे लगता है वाकई कुछ हद तक सुधार होंगे, लेकिन सिर्फ सत्ता का केंद्र बनकर ना रहे। फिलहाल चर्चा में ही हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।